स्कूल प्रशासन की मनमानी, फीस वृद्धि को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने सेंट फ्रांस स्कूल पर जमकर किया हंगामा। स्कूल के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे, स्कूल ने अगर फीस में कमी नहीं की तो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। अभिभावक हाथरस के सेंट फ्रांस स्कूल का मामला। प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि व एडमिशन फीस वसूलने की रोक लगा दी है और एक लिमिट के अंदर फीस रखने के आदेश दिए थे, लेकिन हाथरस में प्राइवेट स्कूल संचालक मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं, जिसको लेकर आज शहर के सेंट फ्रांसिस कॉलेज पर दर्जनों अभिभावकों ने प्रदर्शन करते हुए कॉलेज मैनेजमेंट से मुलाकात की और फीस वृद्धि का जमकर विरोध किया। अभिभावकों का कहना है कि फीस वृद्धि की जाती है तो हम उसका विरोध करेंगे और अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, या ऐसे स्कूल संचालक खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना करते रहेंगे। हंगामा किया है क्या, किसको लेकर? जिस तरीके से सेंट फ्रांसिस सोसाइटी ने इस वर्ष हद से ज्यादा फीस बढ़ा दी है बच्चों की, जो एक लिमिटेशन है उसको पार कर दिया है, और एक सोसाइटी, चूँकि एक प्राइवेट स्कूल नहीं है, जो सोसाइटी है, बगैर अभिभावकों से राय लिए और बगैर सरकार से अप्रूवल लिए इस फीस को बढ़ाया गया है। इसके विरोध में, इस नाजायज फीस वृद्धि के विरोध में आज सारे जो पेरेंट्स थे वो आए, और यहाँ पर कुल मिला के जब फादर से एक जो एक सही जवाब मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आज के बाद यहाँ तब तक फीस जमा नहीं होगी जब तक या तो हमें सरकारी अप्रूवल न मिल जाए या फिर इस बात का जवाब न मिल जाए कि फीस किस आधार पर बढ़ाई गई। बढ़ी हुई फीस, बढ़ी हुई फीस, बढ़ी हुई फीस।